हेलो गाइस, गेमिंग बीस्ट है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत टाइम हो गया था मैंने अपने चैनल पे हॉरर गेम नहीं खेली थी, तो इसीलिए आज हम खेलने वाले हैं एक हॉरर गेम जिसका नाम है सफ़र द नेक्स्ट। अब ये गेम परसों ही रिलीज़ हुई है, आई थिंक 17 अप्रैल को, और आज 19 अप्रैल को मैं इसे खेल रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी गेम को, सफ़र द नाइट। लेट्स बी गेम। Must have dozed off. Jeez, the storm is really picking up. तो ये हमारा बेडरूम है भाई। बेडरूम के अंदर कितने सारे पोस्टर लगा रखे हैं। ये बेड है हमारा। बाहर तो भाई बहुत तेज बारिश पड़ रही है। बिजली देखना कितनी तेज कड़क रही है। तूफान आ रखा भाई हमारे शहर में। शहर है गांव है मुझे भी नहीं पता। रेडियो चेक करना। इसके शहर में आ रहा होगा रेडियो सिग्नल इतनी तेज बारिश में। हमारे यहाँ तो यार साफ मौसम में भी घर घर करता है वो रेडियो। ये क्या है? ओह, ये लाइट है। जल गई लाइट, जल गई। पंखों में लाइट है भाई। बढ़िया वाले पंखे लगा रखे हैं। This is an emergency broadcast. This is not a test. The county of Sleepy Woods Mountains has issued a severe lightning storm warning and is suggesting residents stay inside. The National Weather Institute is saying this is a Category 2 storm with sustained winds ranging from 74 to 87 miles per hour and should last all through the evening into tomorrow night. Lightning has struck multiple transformers, causing power outages in some areas. If your power is out or goes out, do not be alarmed. KW357 will continue to follow. यही बता रहा रेडियो की पावर वावर चली जाए तो घबराना मत भाई। आंधी आ रखी है। भाई इसके घर में देखना कि कैसी कैसी पेंटिंग है। घर को ही अपना हॉरर बना रखा भाई। ऐसी पेंटिंग कौन लगाता है? और ये अकेली रहती है घर में जब लगा रखी है इसने ऐसी पेंटिंग्स। तो भाई न्योता दे रही है अपने भूत भाई को कि आ जा। की लाइट जल गई। यहाँ की भी लाइट है। अरे यहाँ की लाइट नहीं है क्या? बीच में अंधेरा रहता है क्या इसके घर में? ये कुछ खाने के लिए कह रही थी जब मैं ऊपर था। आई थिंक इसे खाना चाहिए, भूख लग रही है इसे। लो तो खोल लो पहले तो। ये क्या है? कॉफ़ी का मग ले लेते हैं। ये क्या है? कॉफ़ी पॉट, इसे भी ले लेते हैं। ये कॉफ़ी की मशीन है, इसके अंदर ये पॉट लगाते हैं। नाउ आई नीड सम ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी बीन्स, ये रही कॉफ़ी बीन्स, इसे ले लेते हैं और इस मशीन के अंदर ये कॉफ़ी बीन्स डाल देते हैं। कॉफ़ी शुड बी रेडी सून। तो कॉफ़ी इतने रेडी हो रही है तो कुछ ऑमलेट ऑमलेट कह रही थी खाने के लिए, तो वो भी खिला देते हैं वही से। ये तो अंडे रखे हैं, अंडे ले लेते हैं। और ये बटर रखा है, ये ले लेते हैं। हमें फ्राइंग पैन भी चाहिए होगा ना, तो फ्राइंग पैन कहाँ रखा है? यहाँ तो नहीं रखा फ्राइंग पैन। ये रहा नीचे फ्राइंग पैन, इसे ले लेते हैं और यहाँ स्टोव पे रख देते हैं। बटर डाल देते हैं, ऑमलेट डाल देते हैं। नाउ फॉर द एग्स। प्लेट लेनी थी ना एक भाई, मेरी प्लेट। प्लेट के अंदर रख के खाएंगे ना। ये ब्रेड ले लेते हैं। ये टोस्टर है, टोस्ट हो रहे हैं ब्रेड। वैसे ब्रेड इस डब्बे में कौन रखता है यार? ये बन गए हमारे ब्रेड। यहाँ रख देते हैं, स्पैचुला ले लेते हैं, ऑमलेट रख देते हैं प्लेट में। और ये हमारी कॉफ़ी तैयार हो गई है, कॉफ़ी भी ले लेते हैं एक खा ले। लो भाई वो भी कर लेते हैं। वो कह रही है कपड़े डालने भूल गई वॉशिंग मशीन में। तेरे की लाइट नहीं है क्या? तो लाइट, लाइट के खटके कहाँ हैं? ये है क्या लाइट का खटका? क्या ये लाइट का खटका है? सिम सिम। वो रही वॉशिंग मशीन हमारी।
ये बकेट के अंदर गंदे कपड़े हैं, इन्हें ले लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। लॉन्ड्री वॉज यूज, मुझे डिटर्जेंट नहीं डालना, क्या पता पहले डाल रहा हूँ। ओह ये क्या था, पहला जंप स्केयर, गेम का पहला जंप स्केयर। डोरबेल बजा रहा भाई। And in this storm. Old sprint. चलो भाई मुझे स्प्रिंट करने की एबिलिटी इन्होंने दे दी है, नहीं तो गेम बहुत बोरिंग हो जाती। स्प्रिंट करके चलते हैं ऊपर, मुझे टाइम वेस्ट करना वैसे भी पसंद नहीं है। यही गेट पे जाता। When did this envelope get here? Stacy. हमारे कैरेक्टर का नाम स्टेसी है। ये क्या है? A floppy disk? Where did this come from? There's no one at the door. फ्लॉपी मिली है हमें। ये फ्लॉपी मुझे कहीं वहां तो नहीं लगानी जहां मेरे बेडरूम के अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है, उसी के अंदर लगेगी। ऑफ कोर्स यार कंप्यूटर की चीज है तो कंप्यूटर में ही लगेगी, वहीं चलते हैं। फ्लॉपी कौन देता है भाई आज के जमाने में, पेन ड्राइव से काम होता है। तो पेन ड्राइव भी यार पीछे जा रही है, अब तो गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, ये फ्लॉपी चला रहे हैं अभी भी। फ्लॉपी इंसर्ट हो गई। एंटर, प्लीज एंटर पासवर्ड टू लॉग इन, हिंट माय फेवरेट ऑथर। उसका फेवरेट ऑथर कौन है यार, हिंट होगा कहीं आसपास। ये है क्या फेवरेट ऑथर, ECHPIEL। तो या हमारा चल चुका है गेम। वेलकम बैक स्टेसी, प्लीज टाइप वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड, रन ड्राइव ए, रन ड्राइव वी, शट डाउन। तो रन ड्राइव ए, सफर द नाइट, ये तो गेम का ही नाम आ गया भाई। प्रेस एंटर टू स्टार्ट, एंटर। योर नाइटमेयर इज जस्ट बिगिनिंग, द ट्विस्टेड पेंडुलम ऑफ फेट नाउ स्विंग्स, यू अवेकन ऑन कोल्ड वेट स्टोन, द एयर इज मॉइस्ट, अ स्टिकली स्वीट ऑडर फिल्स योर नॉस्ट्रिल, इट्स डार्क, यू कैन बेयरली मेक एट योर सराउंडिंग, लिस्ट ऑफ कमांड्स, गेट अप। तो आई थिंक गेट अप टाइप करना मुझे। You slowly rise to your feet. As you do, a sharp sting is felt throughout your skull and your vision blurs, then refocuses. You are in a cave or cavern of some kind. A bright light off in the distance grabs your attention. List of command. Go forward. I think go forward hi hoga. A cliff face lies before you. The light you notice is coming from the top. You must climb to reach it. Climb up. Climb up. You reach the top, and old metal torch hangs from the wall. Its flame flickers and says, as a breeze blows from the down the earth, the undeniable smell of rot grows stronger. So search karna, I think. Go forward karo. Is wale mein mujhe samajh nahi aaya, mujhe kya karna hai, main go forward kar raha hu. You enter a large open mausoleum. Mausoleum kya hota hai? Its chamber empty except surrounded by fresh wax candles. A single dimly lit oven sits at the center of the room. Pungent odor seems to be at its strongest here. To your right there is a large wooden double door. Go right. Go right karo. The torches light the large wooden door that block your way. You will try to open it but it is locked. A key is required. Search karte hain bhai. Nothing was found. The two torches light the large wooden door that blocks your way. A key is found. क्या करूँ फिर? Go back करूँ या use item? Use item करूँ? No item were useful here. Go back या फिर तो भाई? You enter a large open mausoleum. अच्छा दोबारा वही आ गया। तो I think search करना सही है यहाँ पे. You open the coffin lid and hear immediately. Overcome with nausea from the grotesque stench inside is the
कॉर्प्स ऑफ अ मैन। कहाँ कॉफिन वॉफिन खोल रही है, लाश वाश मिल जाएंगी। हिज फेस एंड चेस्ट हैव बीन ईटन डाउन टू द बोन बाय मैगॉट्स। व्हाइल सर्चिंग द कॉफिन एंड बॉडी यू नोटिस एन ओल्ड की इन वन ऑफ हिज हैंड। दिस गाय स्टेडली पीलिंग बैक ईच फिंगर फ्रॉम हिज रिगर मोर्टिस इंड्यूस्ड हैंड। रिगर मोर्टिस एक डिसीज है, मुझे पता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। यू टेक द की, अ की वॉज एडेड टू योर इन्वेंटोरी। तो क्या करना है, गो बैक कर दो, गो बैक, अब गो फॉरवर्ड। अब जो वो मैंने राइट पर क्लिक करा था ना, हाँ, अब गो राइट करके मुझे की तो मिल गई है ना, वो की तो दिक्कत थी। अब मैं यूज आइटम लिख देता हूँ यहाँ पे। यू यूज द की टू ओपन द डोर, द पाथ लीड्स टू द राइट। तो राइट में ही चलते हैं फिर तो। यू टर्न द कॉर्नर इन टू अनदर लॉन्ग हॉल वे, टॉर्चेस लाइट द वे अलॉन्ग द नैरो पाथ। जस्ट एज यू इन्वेस्टिगेट द सराउंडिंग्स, अ कट रेंचिंग स्क्रीम एकोस ऑफ द वॉल्स टूवर्ड्स यू। क्या करूं, फॉरवर्ड जाता हूं। कंटिन्यूइंग डाउन द पाथ यू कम अक्रॉस अ स्मॉल स्कल्पचर हाउस इनसाइड आर टू स्मॉल कॉफिन्स, दे हैव बीन नेल्ड एंड फास्टेंड शट। कॉब वेब्स एंड कैंडल्स लिटर द सराउंडिंग एरिया, अ स्मॉल क्ले अर्न सिट इन द कॉर्नर नेक्स्ट टू वन ऑफ द कॉफिन। वो राइट कर दूँ, राइट में जा रहे हैं हम जब से। योर अटेम्प्ट टू प्रोसीड बट द पाथ अहेड इज ऑब्जर्व बाई डार्कनेस। अच्छा, टॉर्च चाहिए ना मुझे, तो यूज आइटम करूँ। यूजिंग द लाइटर अ लार्ज, क्या हुआ? How was that? It sounded like an explosion. All the power just went out. ये क्या हुआ? ओह, पावर चली गई हमारे घर की। क्या करना है भाई, पावर वावर तो चली गई, अब गेम कैसे खेलूंगा मैं वो सफर द नाइट। पावर सच में चली गई क्या? खटके दबा के देखने वाले, पावर ही नहीं है यार इन खटकों में। क्या करूँ? It looks like the transformer blew. Lightning must have struck it. I need to turn on the backup generator in the basement and reset the fuse box. वो जनरेटर ऑन करने जाना पड़ेगा पहले। पावर तो चली गई है, वो लाइटनिंग की वजह से कुछ तार वार में लोच आ गया इनके। बेसमेंट के अंदर कह रही थी ने, बेसमेंट के अंदर तो मैं गया था, वो किचन के पास जो डोर है उससे। तेरा बेसमेंट का दरवाजा खुला ही पड़ा है। तो नहीं है वॉशिंग मशीन। एरा एरा जनरेटर। Damn, I forgot to refuel the generator the last time I cleaned it. There's some fuel out back at the boathouse. I should grab a flashlight in the garage before heading outside. गैराज, गैराज का गेट ऊपर था ना? अब गैराज का गेट ऊपर है मेरे ख्याल से। I think I left the key to the garage in the bathroom the last time I took a shower. बाथरूम कहाँ है भाई इसका? कोई चीज कहीं फेंक रही है, कोई चीज कहीं फेंक रही है, तुझे तो खा जाना चाहिए सच में भूत। मैं क्यों मदद कर रहा हूँ तेरी? गैराज का गेट तो ये रहा, गैराज का गेट तो मिल गया, तो वो कहाँ पे है? बाथरूम ना, बाथरूम दिखा दे भाई। ये तो नहीं है बाथरूम, ये रहा बाथरूम। क्या हो गया भाई, क्या फस्ती आ रही है यहाँ पे? लाइट आ गई। लाइट बल्ब फट गया भाई। यही है ना गैराज की चाबी? चलो गैराज की चाबी मिल गई, अब गैराज चलते हैं सीधा। तेरा गैराज। अब यहाँ से मुझे वो फ्लैशलाइट लेनी है। फ्लैशलाइट कहाँ पे है तेरी फ्लैशलाइट? I should head to the boathouse out back. There should be some fuel I can use for the generator there. ये जला ले, बंदे जला ले से भाई। गैराज के अंदर गेट नहीं है क्या जाने के लिए बाहर? ये बारिश में जाएगी तू बाहर, आता वाता नहीं लेगी। कहाँ
पे है, ये गाड़ी खड़ी है हमारी, बताओ तू ऐसे घूम रही है, तेरे पीछे तो भूत पड़ ही जाएगा। अच्छा ये रास्ता भी तो है एक, यहाँ से चले। कैसा रास्ता है, चल कैसे रही है, इतने बारिश में यहाँ कीचड़ वीचड़ नहीं हो रही? देखना घास वास उग रही है तो कीचड़ तो होगी ना ऑब्वियसली। वो रखा गैसोलीन का, वो दिख गया, गैसोलीन ही कहता हूँ मैं तो भाई, गैसोलीन ही कहते हैं इन्हें। बोट हाउस के अंदर फ्यूल है, बोट हाउस कहाँ पे है भाई? वो रहा बोट हाउस, उसमें चलते हैं। ये रहा फ्यूल का वो। चलो भाई बेसमेंट में चलते हैं दोबारा से, वो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारी पास इलेक्ट्रिसिटी होगी एंड देन हम उस गेम को कंप्लीट कर देंगे जो हमें वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर मिला था। भाई इसके घर में क्या क्या है, एक अलग से बोट हाउस भी है, समझ रहे हो, बोट हाउस, इतनी अमीर है ये लड़की। चलो ये गेट बंद करा मैंने, नीचे है ना बेसमेंट, बेसमेंट तो ऑब्वियसली नीचे है, मैं कह रहा हूँ जनरेटर नीचे है ना, जनरेटर, जनरेटर होता है राहुल, जनरेटर क्या होता है? Circuit breaker, and that should restore the power. The power should be working now. I should head upstairs and call in the busted transformer. चलो भाई ऊपर चलते हैं, अब ये कह रही है मुझे कंप्लेन दर्ज करानी है कि मेरा जो पावर है वो कट गई है। आ गई इलेक्ट्रिसिटी, देखूं चेक करके, द पावर इज लिमिटेड, अच्छा पावर लिमिटेड है तो कम ही लाइट जलानी चाहिए, क्या सही सोच है तेरी स्टेसी। मुझे रास्ते याद रखने होंगे, तब रूम की तो लाइट जलाई ले अपनी, अपनी भी कम पावर थोड़ी ना है। ओ भाई यार रूम की भी लाइट नहीं जला रही, बवरेट है। What? There's no signal. The line's dead. Did the storm knock out the phone lines as well? फोन की लाइन कट गई भाई, फोन आ गया। What the hell is going on here? Is someone playing? बोलने की क्या जरूरत है? मुझे डर नहीं लग रहा, इतनी आंधी तूफान में कोई डोरबेल बजा रहा है मैं तो बिल्कुल ना खोलूं। तेरे साथ तो कोई रहता भी नहीं है जो तू खोलने जा रही है। ओ भाई उसका मुंह देखो, क्या कर रहा है ये, इतना क्रीपी है ये बंदा। आई होल में से झांक के देखो। Hello, young lady. My vehicle broke down on the road a ways back. May I perhaps come inside to use your phone? What are you doing all the way out here? Are you the one who put the floppy disk through my mail slot? Floppy disk? I'm sure I don't know what you're talking about. Floppy slip phenke yaar, uska chehra ban raha tha floppy disk pe. Didn't answer my first question. What are you doing all the way out here? Well, you see, I have family up north. It seems yours is the only house I could find off the road. ये पागल है, ये स्टेसी से बात कर रही है, इसे दिख नहीं रहा इसका मुंह कैसा है, भूत है। Well, I'm sorry, but the phone lines seem to be down in my area because of the storm. Oh, really? The phone lines are dead, you say? Well, perhaps I can come in to dry off. And get out of this store. I'm not in the business of letting strangers into my home. I'm sorry, but you can't come in. भाई strangers को तो आने नहीं देना चाहिए और इस जैसे को तो बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। इसका तो मुंह सफेद सा है। Well, Stacy, I'll find my own way in. तो मुंह देखो, मुंह देखो, और कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा? ओ भाई, क्या है भाई? क्या है हाथ में तेरे? How did that creep know my name? लाइट आ गई, ओ सॉरी मेरी लैंडलाइन चालू हो गई। Hello, is anyone there? I need help. Hello, Stacy. फिर भूत ही फोन कर रहा भाई। Sick fuck
Why are you doing this? I want you to finish my game, Stacy. I'll make you a deal. If you finish the game, I might just leave you alone. तो खेलने तो दे मुझे गेम, टाइम तो दे. तूने तो मेरी इलेक्ट्रिसिटी काट दी, मेरी लैंडलाइन काट दी. मैं गेम कैसे खेलूंगा? कंप्यूटर पे तो खेलूंगा. I'm not playing your stupid game, you bastard. I'm warning you, leave me alone. I have a gun. Oh, I know you're lying, Stacy. Now finish the game, or I'll come in there and skin you alive. गेम खेलने तो दे, मैं तो तैयार हूँ गेम खेलने के लिए. भाई मैं गेमर हूँ, मुझे खेलने तो दे गेम. मुझे कंप्यूटर भी नहीं दिख रहा मेरा, ये रहा कंप्यूटर. ओ चल गया मेरा. यूजिंग द लाइटर अ लार्ज स्टेयरवे इज इल्यूमिनेटेड इन फ्रंट ऑफ यू. यू मे टू ट्राई बट वट्स एट द टॉप बट इट्स टू डार्क. गो फॉरवर्ड भाई, गो फॉरवर्ड. Using the lighter, you reach the top of the stairway. Light is dim, but you can make out that the path continues to the right. Go right. You enter a spacious room with a large round wooden table at its center. On the table sits a small lockbox. Chains surrounded the lockbox and feed into a skull. Its locking mechanism is located in the mouth of the skull. The room splits into two parts, one blocked by a large iron cage, the other open. So, haan, go right, go back, search use item, go right. You approach the path of the right. In front of you, it's another set of double doors. This one suspiciously has one door half open. The room ahead is hidden from your sight. Go forward. You attempt to proceed but the path ahead is obstructed by darkness. Use item. Lighter ka hai mere pe. You illuminate the halfway, it stretches into darkness. The air is pale, clay urns are scattered all over the floor. You knock one over as you walk and ash is picked up into the air. Your nostril and mouth are filled as you breathe in, occasioning up to cough. Go forward. Continuing down the dark hallway, you stumble across a monstrous sight. The corpse of a man hangs from the wall, shackled to some kind of torture device. The machine has rotating gears that have ground the lower half of body into pulp. The sight of it make your blood run cold. Something protrudes from the man's abdomen but is lodged too deeply to make out. The hallway continues straight. Go forward. You reach the end of the hallway and find a large window. Iron bars cover the window, allowing no escape. You peer out, hoping to find some sign of life, but see nothing except for the moon. A gibbet case is off to your left. Behind it, the path continues. Go left, karu. After turning the corner, you come to a dead end. An enormous bazaar sits between two pillars. The two metal rings rise from the top, with wax candle attached all around. A gust blow past you but its source is not apparent. Use item karo. वैसे क्या ही आइटम मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर. सर्च करो. When you inspect the bazaar, you see that it is a small crawl space concealed behind it. You drag the bazaar while straining under its weight till it's out of the way. The crawl area appears to be narrow and dark but spacious enough for you to fit in. So crawl in. Hello. You got into the confined passage. Its cramped walls give you a claustrophobic feeling. Ahead, you can see the exit. Go forward. That was क्या हुआ? It sounded like it came from downstairs. भाई उस भूत ने हमारे घर का कांच तोड़ दिया. भाई अब उसमें चांटे पड़ेंगे, चांटे. वो भूत होगा अपने घर का, उसे मैं चांटे मारूंगा चार कस कस के. देख टीवी चला के और छोड़ गया है. This maniac is toying with me. I have to board up this window. There's a hammer and some wood planks in the garage. भाई इन्हें तो हमारा कांच और तोड़ दिया, नुकसान और कर दिया इस बबरेट से भूत ने. पहले कहता है गेम खेलो. ये रहा वो बंदा, ये रहा. अबे तेरे में इतने चांटे मारूंगा ना, भागता फिरेगा. ये देख, ये तेरे लंबे लंबे नाखून है, तेरे में ही गाड़ दूंगा मैं. एक तो मेरे घर का कांच तोड़ दिया, ऊपर से यहाँ पे स्टाइल मार रहा.
ये रे प्लैंक्स मिल गए। चलो भाई जल्दी चलो बाहर। बबराइट ने वो खिड़की तोड़ दी। अगर मैं गेम जीत गया ना तो मैं तेरे से पैसे लूँगा इस खिड़की के। वो वाली थोड़ी ना टूटी थी भाई। कौन सी वाली टूटी थी? ये टूटी थी ना। Board up all these windows if I had enough planks. I can only hope that he won't break in if I keep playing his game. तो चलते हैं वापस ऊपर अपनी गेम को कंप्लीट करने। फिर हमारा कंप्यूटर बैठते हैं इस पे। For all space and enter a chamber, a small table to your right. On it are tiny candles and what look like human bones. To your left is a small flight of stairs leading up to a gated room. The entryway is wide open. तो पहले मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च बड़ा ज़रूरी है। एक रोप मिली हमें। रोप वॉज एडेड टू योर इन्वेंटोरी लिस्ट ऑफ कमांड। गो बैक, गो लेफ्ट, गो लेफ्ट, गो लेफ्ट। और अब नीचे जाते हैं लूज आइटम करके। क्लाइम डाउन। ओह, यू आर लोअर द रोप अंटिल यू आर एट द ड्रेन बेस। When you jump the ground, you splash up into a layer of viscous sewage. You suddenly return, start to heave, and then ultimately throw up. You collect your composure and glance around, noticing a path in front of you. So, search करें यहाँ पे। कुछ नहीं मिला। चलो आगे चलते हैं भाई। Go forward. Flushing through a sewage, you reach a corner. The path continue to your left. List of command. पहले सर्च कर लेते हैं यहाँ पे भी। कुछ नहीं मिला। Go left. You enter a circular room. There is a stairway leading up. You spot a body floating in the sewage that is covered in black rope. It drifts up and down. Its face only partially visible. It appears fixated on you with its bright yellow eye. तो सर्च कर लेते हैं। नहीं है। चलो मुझे लगा वो पीछे से आ गया। वो हमारा वो क्या है वो भूत। अप्रोचिंग द कॉर्प विद कॉशन यू पुश टू रोल इट ओवर एज यू डू इट फ्लैशिंग टू लाइफ विद अ ब्लड कर्डलिंग स्ट्राइक इट चार्जेस एट यू स्लैशिंग विद अ क्लॉ लाइक फिंगर नेल यू अवेट द इनिशियल स्ट्राइक बट देन यू फील द इंटेंस बर्न ऑफ फ्लैश बींग स्लाइस्ड ओपन इट्स क्यूरिसिस बैक बिफोर वैनिशिंग अप द स्टेप्स। तो यहाँ सर्च कर लेते हैं। Nothing was found. You enter into a circular room. Search कर लेते हैं। चलो कुछ नहीं मिला। Go up करते हैं। You begin to ascend the stairs as you move to the room. क्या हो रहा भाई? ओ बंदे की जान। ओ भाई ये देखो इसे। The bastard tore straight through the wall and dressing while I was downstairs. Whatever it is, it's not human. अरे भाई, इसका मुंह देखा तुमने कितना। अपना गेम कंप्लीट करते हैं। अलमीरा उसने मेरी तोड़ रखी है। इतनी बुरी तरीके से अपना मुंह दिखा रहा था वो गंदे वाला। तो वो अब चले यहाँ सर्च कर लेते हैं क्या पता कुछ मिल ही जाए। चलो यहाँ भी कुछ नहीं मिला। वो अब You reach the top of the stairway, but the path ahead is obstructed by darkness. So मेरे पे lighter है, मैं उसे use कर लेता हूँ। Use item. The lighter illuminates your surroundings. Thus you step back as you are comforted by a wall of bones. You seem to be at a catacomb. You can see the trail continue to your left behind some cobwebs. तो search करते हैं दोबारा से। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। Go left. यू रूम राउट कर रखा है। यहाँ पर कोई आया तो नहीं भाई। यू राउंड द कॉर्नर इनटू अ वास्ट रूम फोर पिलर एनक्लोज एन इनॉर्मस वेल विच कैन बी रीच्ड बाय अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स द वाटर इन द वेल हैज अ रिपल्सिव ऑर्डर द रूफ हैज अ होल थ्रू विच मून लाइट शाइन्स अ नैरो पैसेज इज ऑफ टू द लेफ्ट। तो यहाँ सर्च कर लेते हैं। यू रीच द गार्ड रेल एज यू गेट क्लोजर। कोई आया तो नहीं भाई। ये कितना क्रीपी लगता है यार जब ये आता है ना। बहुत क्रीपी है।
As you get closer to the well, you examine the water. You notice a spherical object that is glowing with huge hues of yellow and red. It nearly seems to be bigging. Do you remove it from the slimy water as you begin to experience an unnatural meaning to grab it? To grab कर लेते हैं भाई item इतना. अरे भाई. कौन आया? You reach for the strange orb. Just as you do, the rocked creature emerges from the depth. Its face twisted into a hideous grimace, almost as it was making an offering. Fixated on the orb, you are unable to stop yourself from snatching it. The creature slowly sinks back into the abysses. Strange orb was added to your inventory. Orb hamari inventory mein aa gaya hai. Search karne ek baar se. Nothing was found. Chal. To go left karte hain se. Skulls and bones carefully placed in a macabre pattern litter the small passage at the very end and brace of slits. Its flame lit like a beacon. To search kare yahan pe. Nothing was found. To go forward. अरे भाई देखो वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया था. इतना कुछ करने लग जाता है यार आके. देखो अब ये बल्ब जला दिया इसने मेरा. God, I think I'm losing my mind. भाई गेम कंप्लीट नहीं करने दे रहा. इसे डर लग रहा है कि मैं गेम कंप्लीट कर दूंगा एंड वादे के मुताबिक इसे मेरा घर छोड़ के जाना पड़ेगा. A dead end is reached. A pair of skeleton clad in the black rocks are lit by two braziers from the earth. A golden statue of a hind rises. Its fingers are positioned as it was holding something, yet it is empty. So search karte hain yahan pe. Thing was found. Use karna item na kuch. Koi nahi hai, koi nahi hai. You place the strange orb in the golden head. When you do it, it sinks slightly into the ground. A rumbling begins and intensifies. A large round stone slab begins to rise. For a brief moment, dust and debris fill the air, making it difficult to see. When it settles, you notice a new passage has been revealed. So search kare yahan pe pehle. Go forward. Traveling deeper into the catacombs, you approach two pyramid-shaped monuments all the way up. They are ornamented with rows of skull and bones. A lone statue further back is followed by two more morbid monuments. Search karte hain yahan pe. Search isliye karta hua ja raha hu kyunki bhai dekho, main dobara wapas nahi aana chahta. Go back karke, wo bahut annoying cheez hai. Hey yaar, bhoot ke bhi chain nahi hai bhai. ना कुछ करता ही रहता. अब ये मेरा अलार्म. कभी कुछ खेड़ रहा है, कभी कुछ खेड़ रहा है. यू अराइव बिफोर अ गोल्डन स्टैचू ऑफ अ पर्सन पियरिंग रॉक्स एंड होल्डिंग ऑन ओवल बेसिन. द चैम्बर इज लिट बाय अ मैसिव चैंडलर कंस्ट्रक्टेड ऑफ न्यूमरस बोन्स. द पाथ कंटिन्यू राइट. पहले सर्च कर लेते हैं. यू एग्जामिन द क्लीनिंग स्टैचू. द बेसिन है राइटिंग एवर्स इन टू द रीड. ब्लड इज इन द बॉन्ड. द ब्लेड is the key. An offering must be made. Search kare. Search nahi ho raha. S T A R C H. Search nahi ho raha. Use item kare. No item were useful here. Kya kare bhai? To kya kare? Go right kar lete hain bhai. A spiral staircase is found. When you turn the corner, the steps are lit by light from above. Right and left graves have been dug into the walls. Skulls and bones phone hai theek hai chalo. Into the walls, skulls and bones cover the wall behind the stairs. To search karte hain. Search karne pe bhi kuch nahi hai. Use item. No items useful here. Upar hi jana hai maybe. You climb the stairs and arrive at the top. Searching your surroundings, you see a large passage to your right. To your left, a large candelabra made of bones. A balcony looking down. A golden statue directly ahead. List of commands. Search. Kon aaya? Kon aaya?
You approach the passageway that is blocked by an iron gate and wooden counterweight lever is mounted on the wall next to the gate. तो सर्च करें भाई, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। मुझे एक बार समझ नहीं आती ये लाइट जला क्यों नहीं लेती, एक लाइट में कौन सी आफत आ रही है। यू बिगेन रोटेटिंग द काउंटरवेट लीवर, द गेट बिगेन टू राइज, यू कंटिन्यू अंटिल द पैसेज इज ओपन। सर्च करें यहाँ पे, नथिंग वाज फाउंड। क्या यूज आइटम? नो, गो फॉरवर्ड। देखो देखो, ओ ओ रे भाई, इतना डरावना था ये। हवा में सही समय पर उठ गया, इधर मार मूर देता मुझे अभी। कहाँ है तू? रेडियो चला दिया इसने, रेडियो चला दी इसने, ऐसी मार देता भी मेरी। एट द एंड ऑफ पैसेज यू फाइंड अ सेट ऑफ डबल डोर्स, लाइट शाइन थ्रू द गैप्स ऑफ द डोर्स, यू प्रेस अगेंस्ट देम एंड नोटिस दैट दे आर अनलॉक्ड। तो सर्च करते हैं यहाँ पे, थिंग वॉज फाउंड। यूज आइटम, नो यूजफुल हेयर, गो फॉर वर्ल्ड। यह तो नहीं, नहीं। यू पुश द डोर ओपन एंड फाइंड योर सेल्फ इन फेमिलियर सराउंडिंग्स, अ लार्ज फायर पिट लाइट्स द रूम एंड यू कैन सी दैट यू आर अ बैक इन द रूम विद योर स्कल चेस्ट, विद द स्कल चेस्ट। हाउएवर यू आर ऑन द अपोजिट साइड नाउ इन साइड द आयरन केज। तो सर्च करें यहाँ पे, नथिंग वॉज फाउंड। आइटम, नो यूजफुल आइटम, गो फॉरवर्ड। द गेट ऑफ आयरन केज इज, द गेट ऑफ आयरन केज इज नाउ अनलॉक्ड एंड यू अप्रोच द स्कल चेस्ट, द डोर्स ऑन द राइट आर स्टिल लॉक्ड एंड वॉन्ट बच, इट वुड सीम यू हैव रीच्ड अ डेड एंड। तो यहाँ पे गो बैक, सर्च, पहले सर्च कर लेते हैं। सर्च करने पर कुछ नहीं आया, अब यूज आइटम ही होगा मेरे ख्याल से कुछ। No items were useful here. Wow. मैं फंस गया क्या? But touch भी नहीं हो रहा, यूजफुल भी नहीं है कुछ, ना बताओ। पता है मैंने पूरी गेम है ना दोबारा से स्टार्ट करी ये वाली गेम जो भूत ने हमें दी है, एंड मैंने हर स्टेप पे सर्च करा, हर स्टेप पे यूज़ आइटम करा, पता नहीं मुझे मैं क्या गलती कर रहा था, लेकिन अब जहाँ पे मैं फंस रहा था ना जिस स्टेप पे, वो क्लियर हो गया है। अब अगली चीज़, यू टर्न द स्ट्रेंज की आफ्टर इंसर्टिंग इट इनसाइड द स्कल्स माउथ, द चेस्ट इज अनलॉक्ड विद अ मैकेनिकल क्लिक, यू डिस्कवर अ ब्लेड इनसाइड यू, you can see that it covered in weird writing and symbol as it shimmer in the light, you feel that yourself falling into a trance as you inspect it, it's absolutely beautiful, strange dagger was added to your inventory. dagger mil chuka hai, dagger sir pe kuch nahi mila, sab kuch ho raha hai kya yahan pe, hilchal se dikha rahe hai bhai, hilchal se aa rahi hai bhai। तो आई थिंक मुझे है ना अब उस जो पॉट लेके खड़ा रहता है वो भूत, जिसमें हमें वो ब्लड की ऑफरिंग मांगता है ना, इस डैगर के थ्रू हमें उस ब्लड की ऑफरिंग करनी है, पीछे जाना पड़ेगा हमें, ये मुझे लग रहा है ऐसा। क्योंकि तो डैगर का काम क्या भाई, डैगर मारने मूरने के काम आता है, चोट चाट। तो चलते हैं भाई उस भूत के पास, अपने कहाँ पे था ना, हाँ अब ये डैगर के मिस्से, ओ कुछ कुछ हलचले हो रही हैं भाई, इसने मेरी क्यों इतनी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, अरे क्या आफत है वो भूत। तो ये कितनी गंदी आवाज़ क्यों चल रही है पीछे, क्यों चल रही है इतनी गंदी आवाज़। यू कट अ गैस इन टू द पाम ऑफ योर लेफ्ट हैंड विद द पेक्यूलर ब्लेड, स्क्वीजिंग द वाउंड ओपन वाउंड, यू एक्सटेंड योर हैंड ओवर द बेसिन, the basin start to accumulate blood, as it does the sound of gear turning can be heard but it's unclear where it is coming from, search kare, you search the area and try to locate the source of the sound, you notice a narrow path has appeared where a gravestone once stood, you force your way through and notice a
staircase in the distance. As you get close to the steps, you notice they are carved from fine marble. You hear up the gear spinning once more. The gravestone reappears, blocking the way up. So, अब तो एक ही कमांड है, वो ही लगा देते हैं। मैं अब हमेशा खड़ा होकर देखूंगा, मुझे लग रहा है कि अब वो जरूर आएगा। क्लाइंबिंग द स्टेप्स यू एंटर अ डार्क रूम. डजन्स ऑफ लिट कैंडल्स आर स्कैटर्ड ऑल अक्रॉस द फ्लोर. देयर लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ मार्बल फ्लोर्स एंड पॉलिश्ड ग्रेनाइट पिलर्स. अ चिल सडनली शूट्स डाउन योर स्पाइन एज द स्पेस इज अनसेटलिंग क्वाइटली. तो एक ही वो आ रही है कमांड. Moving further into the room, you find yourself at its center. You can see a table and some dark shapes in the distance. You try to use the lighter you found, but the fuel is spent. Your heart begin to race and you begin to experience increasing sense of dread. You walk up to the table, a few candle. अरे यार सच करो सीधा, कौन पढ़ेगा तेरी लंबी कहानी. एक बुक मिली है, बट यू एग्जामिन द बुक. इट्स कवर फ्यूचर एंड ऑड सिंबल्स एंड इट्स बाउंड लेदर. अ स्टनिंग टील फैदर इज यूज्ड टू मेक द क्विल. इट फीड्स इनटू अ निब विद अ कॉम्प्लेक्स एनग्रेविंग. द फिगर इज इन द चेयर रिमेन मोशनलेस. तो ओपन कर लेते हैं बुक. और लेग नंब हो गए भाई, उठ नहीं पा रही. माई लेग्स आर नंब, आई कांट मूव देम, आई डोंट नो व्हाई. भाई बताओ, अब उस भूत ने हमें उठने से भी रोक दिया, हमारे पैरों को सुन कर दिया, करना क्या चाहता है ये. यू फाइनली अराइव्ड. मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ भाई, मुझे इस कहानी में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा. मैं बस ऐसे ही देख सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता. भाई मत आइयो, अब मत आइयो प्लीज़. द फिगर इंडिकेट्स द बुक वाइल स्टैंडिंग देयर. ओनली वन थिंग लेफ्ट. When you put your name in the book, the game is over. You only need a quick signature to be set free. अच्छा कर, जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो, साइन कर दो बुक. साइन, मैं गेम ख़त्म करना चाहता हूँ जल्दी. अदर सिंबल है, ठीक है, जो भी है लिखा हुआ है ठीक है. एसी साइन हो गया, चलो नाउ डू पे. अरे क्या हुआ भाई, इसका कमांड कंटिन्यू. भाई कंटिन्यू जल्दी. तो मैं देख भी नहीं सकता, देख सकता हूँ चलो. मैंने सोचा उस भूत ने अब देखना भी बंद करवा दिया हमारा. What the hell? That looks like my house. भाई यस, इस केसी का ही हाउस है भाई. भाई क्या हुआ है? अरे कंप्यूटर खोल दिया इसने तो. ये गेम तो इतनी तकड़ी भी नहीं है जो मेरा कंप्यूटर भूख देगी. इतनी तकड़ी ग्राफिक्स वाली गेम भी नहीं है. मेरे पैर ठीक हो गए, मैं उठ गया. क्या करना है? आई थिंक अब एक हिंट ये है कि मतलब जब मैं ना, अब ये मुझे जब कंप्यूटर के अंदर मुझे अपना घर दिख रहा था, स्टेसी को अपना घर दिख रहा था, तो ये ऊपर वाली विंडो मतलब जो स्पेस जो बेडरूम के ऊपर जो कोई विंडो थी वहाँ से गया था. तो मुझे है ना कहीं ऊपर ही जाना पड़ता है मेरे ख्याल से, कहीं पर ही जाना होगा. कोई ऊपर भी फ्लोर है क्या? ये क्या है भाई? ये क्या है रे? ओ ये क्या है भाई, ऊपर जाने का रास्ता. फिर भाई अच्छा यही रास्ता होगा जो ये ऊपर लेके जाएगा छत पे. हमें छत नहीं है एक्चुअली, ये स्टोर हाउस है जो ऊपर बन रहा है बिल्डिंग के. क्या करना है? क्या है भाई? ओए ओए ओ भाई, ओ ये आ गया. भागो यहाँ से, भागो भागो. अबे व्हाट द, ओपन इट फोन ब्लश नाउ. अबे वो पीछे आ रहा भाई, गिर जा कुछ तो कर ले. अबे क्या हो रहा है? वो आ लिया भाई, आ लिया भाई, खुल जा यार. अबे भाई
मारते मारते तेरे का तेरे तो नखून हो गए लड़की है तू मारते इसके खोपते इसके नखून बच गई कौन मरा कौन बचा कैसी लगी तुम्हें ये गेम कमेंट्स में बताना अभी थोड़े बहुत ग्लिचेस हैं गेम के अंदर जब फुल वर्जन रिलीज़ होगा तो क्या पता ये ग्लिचेस भी दूर हो जाएं ये चैप्टर वन था गेम का जो हमने कंप्लीट किया है आज सो अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय गेट क्यों खुल रहा भाई गेट क्यों खुल रहा है ही सेट द टॉप ऑफ स्टेयर्स वे बट द पाथ अहेड इज ऑब्जर्व्ड बाय डार्कनेस तो मेरे पे लाइटर है तो मैं इसे यूज कर लेता हूँ बताओ यार ये डेथ क्यों मिली मुझे